भी कहा जाता है इनको। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि उधर करे कैमरा। मैं खाडे के नान का पटेल हूँ, चतुर्भुज सेन मेरा नाम है। ये लगभग नान 500 साल से यहाँ चला रहा है। यहाँ पहले एक पक्ष था, यहाँ विवाद हुआ तो राजा कोटा के दरबार के यहाँ इसका फैसला हुआ। उसमें खाडे वालों ने जीत हुई तो राज दरबार कोटा ने को खाडा दिया और बाजार वालों को लोहारों का चौक दिया। जब से ही दो पार्टियां यहाँ है, खाडे वालों का नान खाडा पक्ष में होता है, खाडे में होता है, बाजार वालों का नान बाजार में होता है। यहाँ तरह तरह के सांग लाए जाते हैं जिसमें राजा के महाराजा की पालकी निकाली जाती है, वो कोटा दरबार की पालकी का एक स्वरूप होता है। यहाँ पर एक भवानी की सवारी निकाली जाती है जिसमें देवी देवताओं की झांकियाँ का विस्तृत रूप से निकाली जाती है। और कई स्वांग ऐसे जिनकी कथाएं हैं, किदवंतियाँ, उनके आधार पर यहाँ स्वांग लाए जाते हैं। जैसे पुरानी पर जो रूप है तो बात है, सांगोद की संस्कृति जो है उसको कायम, ये लगभग 500 साल से लागू है, रोज चला आ रहा है। यहाँ पे कई कलाकार हुए इसके लिए, यहाँ के खाडा पक्ष ने और बाजार पक्ष ने खेत भी लड़े। इसके अदालत में खेत जीता है, खेत जीतने के बाद वहाँ पे तलवारें नंगे ब्रज में चक्री झूलने का कई कर्तव्य दरबार में गए थे, वो सांगोद के नार में दिखाए जाते हैं। एक जानकारी लेना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह यहाँ पर जो पट्टों पे शिला लेख लिखे हुए हैं, वो शिला लेख किसने और क्यों लिखे? इसके बारे में एक कहानी है। यहाँ पर ये सांगोद एक जादू नगरी है। इस जादू नगरी में पहले जो दिगोद थे, पार की जो दिगोद है, वहाँ से कुछ जादुए लोग यहाँ पे सांगोद में नार देखने के लिए वहाँ से बड़ को उठा करके लाए जादू के बल पे और यह खाने में उसको स्थापित कर दिया। जब सांगोद वालों को उसका पता चला तो सांगोद वाले भी जानते रहते जादूगर थे, उन्होंने उस बड़ को इस जगह पे ही कायम कर दिया, उसको हिलने नहीं दिया। तो दिगोद वाले यहाँ से एक शिला पट्टी पड़ी हुई थी, उस शिला पट्टी को यहाँ से उठा करके और दिगोद ले गए, वहाँ आज भी पड़ी हुई है। उसके अलावा सांगोद में भांड बतिया जादू खेलने के लिए आई थी तो सांगोद वालों के सामने वो भी मात खा करके यहाँ से गई है। सांगोद एक बहुत बड़ी जादू नगरी है। जिस तरह हम देखते हैं कि आप एक पटेल हो नान के, तो इसकी व्यवस्था किस तरह की जाए? जैसे रोड अभी सगड़े हो रहे हैं तो इसके लिए आगामी दिनों में और क्या सुविधा हो सकती है? इसमें सांगोद का जो नान है इसमें कोई कार्य समिति नहीं होती, इसमें एक पटेल होता है और पटेल के माध्यम से सब लोग, इसके नान में एक विशेषता है कि पटेल की बात सब मानते हैं, सब मिलजुल करके काम करते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी सब निभाते हैं। जो जो सांग शुरू आते हैं सब अपने पैसे से आते हैं, भवानी की सवारी जो अन्य व्यवस्था है, नान गांव से चंदा करके करते हैं, सब लोग जी जान से चंदा देते हैं और इस नान में भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह हम सांग की जगह किन्नरों को बुलाते हैं तो क्या प्रथा रही है शुरू से जो अपन किन्नरों को बुलाते हैं यहाँ पे? सांगोद में जब से नान होने लगा है तब से किंगरे या ब्रह्मानी माता की कृपा से और ब्रह्मानी माता की प्रेरणा से ही आते हैं। उन्हें नान माने कुछ अल्पराशि देते हैं जो कुछ नहीं है, उनको हम एक किराया मात्र भी मान लो उनको नहीं दिया जाता, लेकिन ब्रह्मानी माता के प्रताप से और ब्रह्मानी माता उनको यहाँ के खेच के लाती है, इसलिए वो यहाँ आते हैं। ये थे हमारे साथ चतुर्भुज सेन, जिन्होंने अपन कह सकते हैं भी है। इसी के साथ में और भी आपको जानकारी रहूंगा, आप देखते रहिए सांगोद ऐतिहासिक नान। लाइव रिपोर्टिंग लोकेश राजौरा के साथ कैमरामैन रोहित।